चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा ना एक छोटा सा और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और एक चैप्टर है बिल्कुल फर्स्ट और एकदम न्यू चैप्टर। और इस चैप्टर का ना आपका, मैंने पहले ही बताया कि अकाउंट से कोई रिलेटेड नहीं है। चैप्टर का नाम क्या है? लीवरेज। एक बार पहले समझ लेते हैं सर, व्हाट इज द लीवरेज, लीवरेज का मीनिंग क्या है, लीवरेज होता क्या है, वो सारी चीजें समझ लेते हैं आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करें। बेसिकली हमारा लीवरेज चैप्टर है सर। लीवरेज का मीनिंग क्या होता है? अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो इजी सर, इजी का मतलब हम कम एफर्ट लगा के, बहुत कम एफर्ट लगा के हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल पाए। और ये हम टर्म्स में, फाइनेंस के टर्म्स में बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका सेल्स जो है वो 100 रुपए का है, और मेरा प्रॉफिट जो है वो मान लेते हैं 10 रुपए का है। ठीक है, हमारा सेल्स कितने का था? 100 रुपए का, और प्रॉफिट कितने का था? 10 रुपए का। अगर मेरा सेल्स हो 150 रुपए, तो मेरे सेल्स में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट लग गया बताओ? 100 से अगर 150 हुआ तो कितने परसेंट का इंक्रीमेंट लग गया? तो हमारा 50% बढ़ गया। लेकिन प्रॉफिट मेरा हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया? सीधा 10 से 20। अब देखो दोनों में डिफरेंस है। हमारा सेल्स में इंक्रीमेंट कितना लगा? 50%। लेकिन प्रॉफिट में कितना इंक्रीमेंट लग गया हमारा? प्रॉफिट में कितना इंक्रीमेंट लग गया हमारा? वॉइस नॉट क्लियर, इको आ रही है। चलो अभी देखो रिकॉर्डिंग, नो डाउट आपको रिकॉर्डिंग ठीक मिल जाएगा, क्योंकि पता नहीं क्या इशू आ रहा है। सर ठीक है, क्लियर है, अब ठीक है, अब ठीक है वॉइस, बच्चे कह रहे हैं अब ठीक है। देखना एक बार, धीरज पहले से बेटर है क्या? है, मैंने एक फिल्टर था वो हटाई दिया इसमें से। पहले से ठीक है ना? चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना? तो मैं क्या कह रहा था, अगेन देखिए हमारा चैप्टर है लीवरेज फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अभी आपने एक माइंड से एक दिमाग निकाल दीजिए कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, और एक दिमाग निकाल दीजिए कि हम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। आप ये देखिए कि मेरे कुछ एक सवाल हैं, उस सवाल का आप धीरे धीरे, आपको पता है वो, बस मैं आपसे पूछता जाऊंगा, आप जवाब देते जाइएगा, आपको पता चल जाएगा कि वॉट इज मतलब कि हम सीखने क्या वाले हैं। सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट दिमाग से निकाल दीजिए, एक हम कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब चीजें दिमाग से निकाल दीजिए। मेरा कंसर्न है, एक वर्ड है लीवरेज, और ये इंग्लिश वर्ड है, और हम कॉमर्स में इसके इजी वर्ड से जाना जाता है। इसको समझते हैं, जैसे मेरा सेल्स मान लो कि 100 रुपये था, अब मेरा सेल्स 150 हो गया। तो मैं आप सभी से बोलूंगा कि फटाफट बताइए परसेंटेज के टर्म्स में कि हमारा सेल्स कितने परसेंट बढ़ गया। कमेंट में भी बच्चे बताएंगे, आप भी बताएंगे जो बच्चे ऑफलाइन है, कि हमारा सेल्स कितने परसेंट बढ़ गया। तो जवाब है सर, 100 से 150 हुआ, तो हमारा 50% हमारा क्या बढ़ गया सर? इसके बाद हमारा प्रॉफिट कितना है? 10 रुपए। और 10 रुपए से हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? 20 रुपए हो गया। तो आप मुझे जवाब दीजिए कि हमारा प्रॉफिट कितने परसेंट बढ़ गया? तो जवाब होगा, मैंने इजी क्यों बोला? अब देखिए, हमने सेल्स को बढ़ाने में एफर्ट कितना लगाया है? 50%। लेकिन प्रॉफिट बढ़ने में एफर्ट कितना लगा? मतलब उतना एफर्ट नहीं लगा, लेकिन प्रॉफिट बड़ी तेजी से बढ़ गया। सेम इसको हम समझते हैं, जैसे आप सिंपल सी बात है, कम एफर्ट, जैसे कि चैप्टर के थीम ही ये है। अगर आप इस पॉइंट को अगर देखते हैं तो बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे आपने ये देखिए, आपने कभी ना कभी ये गेम प्ले किया होगा, अगर खेला है ये गेम तो ठीक, नहीं तो देखा होगा। अगर कोई यहाँ पे बहुत कमजोर सा इंसान बिठा दिया जाए, और यहाँ पे कोई ताकतवर इंसान बिठा दिया जाए, और दोनों को अगर इंडिविजुअल बोला जाए, कमजोर इंसान को कि भाई ताकतवर इंसान को, बहुत मोटे इंसान को उठाओ गोद में, तो नहीं उठा सकता वो। क्यों नहीं उठा सकता? उसकी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन कुछ टेक्निक्स लगाने से वो कर सकता है। आपने ये सी सॉ वाला गेम देखा होगा, जिसके अंदर अगर एक कमजोर इंसान भी इधर बैठ जाए, तो इस साइड अगर हेल्दी इंसान भी कोई बैठा हो, तो वो इसको उठा सकता है एफर्ट लगा के। तो इसका क्या मैसेज है? मैसेज ये है, यहीं से ड्राइव हुआ वर्ड लीवरेज, कि एफर्ट कम
यानी ये बहुत, अब वेट इधर ज्यादा है लेकिन ये इसको उठा सकता है। गेम तो यही चलेगा ना, एक बार ये उठाएगा एक बार ये उठाएगा, अगर एक ही उठा के बैठ जाएगा तो गेम ही नहीं चलेगा ये तो ये इसको उठा सकता है, कम एफर्ट लगाएगा, एफर्ट मतलब पावर कम लगेगा और ये उठा सकता है। तो इसी से हमारा लीवरेज वर्ड को लिया गया है। लीवरेज का मतलब है कम एफर्ट और ज्यादा रिजल्ट। एफर्ट कम है और रिजल्ट कितना मिल गया, कम एफर्ट रिजल्ट ज्यादा। अब देखिए यहां पे, अगर आप देखते हैं यहां पे जो मैं बता रहा था, एफर्ट सेल्स में कितना लगा 50% और प्रॉफिट में 100, यानी प्रॉफिट आपका रिजल्ट ही है। हर बिजनेस के लिए प्रॉफिट क्या है, रिजल्ट है। और हर बिजनेस के लिए एक मार्केट में सामान को बेचना क्या है, एफर्ट है। एफर्ट उसने 50% का मारा बढ़ाने के लिए, लेकिन रिजल्ट में उसको कितना मिल गया, 100% मिल गया। तो ऐसे सिचुएशन में देखा जाए 100% मिल गया। अभी भी बच्चे कह रहे हैं वॉइस क्लियर नहीं आ रही, थोड़ी बहुत अभी भी नहीं आ रही क्लियर। चलो अभी देखते हैं, ज्यादा लंबी क्लास में सोचा था 1.5-2 घंटे की लूंगा, लेकिन थोड़ी क्लास लूंगा, आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए आज आज बस। हम आगे देखते हैं सर, लीवरेज में क्या है। थीम जो था हमारा मेन लीवरेज का क्या था सर, मेन थीम अगर देखा जाए ना लीवरेज का, तो लीवरेज का यही है कम एफर्ट। इसके अंदर आपको समझाने की कोशिश गया है 3 पॉइंट से, बोला गया है आपको। एक तो डिग्री ऑफ, अब लीवरेज को जब कभी भी हम चेक करेंगे ना, आंसर देंगे ना, डिग्री से आंसर देंगे, तो एक तो हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज, एक है हमारा फाइनेंसिंग लीवरेज, और एक है हमारा कंबाइंड लीवरेज। एक है हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज, एक है हमारा फाइनेंसिंग लीवरेज, और लास्ट हमारा कंबाइंड। ये तीनों लीवरेज सीखना है। ऑपरेटिंग का रिलेशन किससे होता है सर, फिक्स कॉस्ट से। अभी आपको कुछ ज्यादा बातें समझ में नहीं आएगी, जब मैं एग्जांपल और मैं इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट से इसका होता है इंटरेस्ट से, इसका रिलेशन है इंटरेस्ट से। अभी ना भी समझ में आया मैं सिर्फ एक बना देता हूं ताकि आपको, और जो इसका होता है उसका दोनों से होता है, फिक्स कॉस्ट से भी और प्लस इंटरेस्ट को मिला के निकालते हैं, ठीक है। अब चलिए आप सभी को जो पता है हम उसकी बात कर लेते हैं। एक आपके सामने मैं एक स्टेटमेंट बनाने जा रहा हूं, और ये स्टेटमेंट पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और वो स्टेटमेंट आपने पहले कभी ना कभी बनाया हुआ है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम देखेंगे हम इसको। सबसे पहले ना हम सेल्स लिखते हैं, मान लिया जाए हमने यहाँ सेल्स लिखा। अब सेल्स में से हम माइनस कर देते हैं सर वेरिएबल कॉस्ट। हम सेल्स में से क्या माइनस कर देते हैं सर, वेरिएबल कॉस्ट। अगर सेल्स में से हम वेरिएबल कॉस्ट निकाल देना, और वेरिएबल कॉस्ट को आज के बाद मैं बोलूंगा वीसी, तो हमें जो रिजल्ट मिलता है उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। उसको क्या बोलते हैं हम, कंट्रीब्यूशन। तो अगर आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो उसको क्या बोला जाएगा सर, कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इसमें से हम क्या माइनस करेंगे सर, इसमें से हम माइनस कर देंगे फिक्स कॉस्ट, इसमें से माइनस कर देंगे हम फिक्स कॉस्ट। जब आप फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दोगे तब आपको मिलता है ईबीआईटी। कई बुक में, कई बार कॉलेजेस में आपको सुनने को मिलेगा पीबीआईटी, ईबीआईटी। ई का मतलब अर्निंग होता है, बी का मतलब बिफोर, और आई मतलब इंटरेस्ट, और टी मतलब टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या फिर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है।
तो क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले हमारा सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या निकलता है, कंट्रीब्यूशन। उसके बाद फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ईबीआईटी। अब जाके हम माइनस कर देते हैं इसमें से इंटरेस्ट। अब इसमें से अगर हम इंटरेस्ट को माइनस कर दें तो फिर जो हमें रिजल्ट निकलेगा उसको हम बोलेंगे ईबीटी या पीबीटी। अब अगर इसमें से हम माइनस कर दें सर टैक्स, इसमें से क्या माइनस कर दें सर टैक्स, तो हमें एक रिजल्ट मिलता है दैट इज पीएटी या फिर ईएटी, पीएटी या ईएटी, ठीक है, पीएटी या फिर ईएटी। अब जो पीएटी ईएटी हमारा निकल गया, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, टैक्स हमने माइनस नहीं किया ना अभी, ईबीआईटी ईबीआईटी टैक्स ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा, चल थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, इसको ले जाते हैं यहां टैक्स, ये थोड़ा ऊपर, इसका अमाउंट ये, ठीक है। अब जो ईएटी और ये पीएटी जो निकला है, अब इसको पैट भी बोल देते हैं, ईएटी। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, मैं ना एक साइड में कॉलम ड्रो कर देता हूं और यहां पे एक अपना ही एग्जांपल ले लेते हैं, उस एग्जांपल से समझ। मान लेते हैं मेरा सेल्स जो है वो 1000 रुपए का है, ठीक है, और मेरा वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 400 रुपए है। तो अब जो मेरे पास रिजल्ट आया वो कितना आया, इस 600 को क्या नाम देंगे हम, कंट्रीब्यूशन, सिंपल सी बात है। अब इसमें से हम माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, दैट इज मान लेते हैं 200 रुपए। सर ये फिक्स कॉस्ट भी क्वेश्चंस में गिवन होगा और वेरिएबल कॉस्ट भी क्वेश्चन में गिवन होगा और सेल्स भी क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन सेल्स मे बी इन टर्म्स ऑफ यूनिट हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ अमाउंट हो सकता है। तो अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स अगर इन टर्म्स ऑफ यूनिट हुआ तो बड़ी सिंपल सी बात है, आपको हमेशा जो सेल्स रखना है वो इन टर्म्स ऑफ रुपीस रखना है। अगर यूनिट हुआ तो यूनिट इनटू में पर यूनिट आपका जो भी होगा कॉस्ट उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पर यूनिट सेलिंग प्राइस, पर यूनिट सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैंने कहा 5000 यूनिट है, 10 रुपए का एक है, तो बताओ सेल कितना है, आप बोलोगे 5000 × 10 सर 50000 रुपए की सेल, ठीक है। सर फिक्स कॉस्ट ऑलवेज गिवन होगा। अब जो हमें माइनस करके रिजल्ट मिल रहा है दैट इज हमें क्या मिला, 400 रुपए, इसको क्या नाम देंगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब बारी आ गई इंटरेस्ट की। सर अगर इंटरेस्ट की हम बात करें तो इंटरेस्ट मैंने मान लिया 100 रुपए। अब सर इंटरेस्ट कैसे निकाला जाएगा, इंटरेस्ट कैसे निकाला जाएगा, या तो आपका इंटरेस्ट निकालने की बात करते हैं, इंटरेस्ट कैसे निकाला जाएगा, दो तरीके से हो सकता है इंटरेस्ट, या तो गिवन हो सकता है आपको क्वेश्चन में, या फिर आपको परसेंटेज गिवन हो सकता है। सर अगर गिवन हुआ, क्या गिवन होगा, सर फिक्स अमाउंट गिवन होगा आपको, फिक्स अमाउंट, क्या गिवन होगा सर आपको, फिक्स अमाउंट, या फिर आपको क्या गिवन होगा, परसेंटेज। अगर आपको परसेंटेज गिवन हुआ तो आप क्या करोगे सर, आपको परसेंटेज किस किस पे हो सकता है, लोन के ऊपर हो सकता है, या फिर आपका बॉन्ड के ऊपर हो सकता है, या फिर आपका डिबेंचर के ऊपर हो सकता है। ये सारे परसेंटेज निकाल के आप इंटरेस्ट को कैलकुलेट करोगे और इन सभी को ऐड करके जो इंटरेस्ट आएगा, मैं उस इंटरेस्ट की यहां बात कर रहा हूं, मतलब तीनों इंटरेस्ट मिला के 100 रुपए, समझ में आई बात आपको। अगर मैंने सपोज करो मुझे जवाब देना, मैंने कहा कि भैया 10% डिबेंचर है ₹10,000 का, तो बताइए इंटरेस्ट कितना होगा, 10,000 का डिबेंचर है तो इंटरेस्ट कितना होगा बताओ, 1,000। सिंपल, हमने अकाउंट्स में बहुत अच्छे से कैलकुलेट किया हुआ है। सेम ऐसे हो सकता है 10% लोन है तो उसका परसेंटेज होता है, लोन निकाल लेते हैं, है ना, वो सारा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा आ गया, इसी तरीके से इंटरेस्ट निकल गया, बचा 300। टैक्स का रेट हमेशा गिवन होगा, मान लेते हैं 50% है तो 150 हो जाएगा। अब बचे कितने मेरे, 150।
अब जो ये 150 है इसको क्या नाम दिया हमने, अर्निंग आफ्टर टैक्स, या फिर आप बोल सकते हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इस प्रॉफिट के ऊपर किसका अधिकार है, इस प्रॉफिट के ऊपर अगर मैं इधर लेके चलता हूं, अगर मैं पीएटी की बात करूं, इस पीएटी के ऊपर किसका राइट है सर, इस पीएटी के ऊपर दो लोगों का राइट है। एक होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, और एक होता है हमारा इक्विटी शेयर होल्डर का। सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पहले राइट होगा, यानी जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हमारे पास पैट पता है कितना है, मैंने एग्जांपल में 150 रुपए है, इस 150 में पहले प्रेफरेंस शेयर, मान लेते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड बन रहा है 50 रुपए, तो अब इक्विटी शेयर होल्डर के कितने हिस्से में जाएगा, 100 रुपए, ठीक है ना। तो यानी जो भी हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया उस प्रॉफिट पे दो लोगों का राइट्स होगा। सबसे पहला जो राइट होगा वो किसका होगा, किसका होगा, सबसे पहला राइट जो होगा वो होगा हमारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। उसके बाद जो दूसरा राइट होगा वो किसका होगा, इक्विटी शेयर होल्डर का। अब इक्विटी शेयर होल्डर के अंदर भी डिविडेंड डिक्लेयर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आप सभी ने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा, या फिर आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर कभी किया होगा, डिविडेंड डिक्लेयर बट नॉट पेड इंटरिम डिविडेंड, ये बंगाता है। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे भी क्या आ गया सर, ये 100 रुपए के भी दो पार्ट हो सकते हैं। कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं सर इस 100 रुपए के, हो सकता है कि ये डिविडेंड दिया जाए और डिविडेंड ना दिया जाए। अगर डिविडेंड दे देंगे इसमें से, और हो सकता है डिविडेंड ना दिया जाए, दैट इज रिटेन अर्निंग। डिविडेंड मैंने मान लो 100 में से बोला 25 रुपए दे दिया जाए, तो रिटेन अर्निंग कितना होगा हमारा, 75 रुपए। इसको नेक्स्ट पेज पे और इलेबरेट कर देता हूं मैं, किसको सर, पीएटी को, या फिर कह लेते हैं ईएटी, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पे मैं, वहां स्पेस मिल नहीं रहा था, फिर मैं पीछे दिखा दूंगा। यानी सर इसके दो हिस्से हैं, दो हिस्से किसके होंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मेरा क्या था, 150 था, मान लेते हैं 50 रुपए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिल गया। ऐसे सिचुएशन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर की कहानी खत्म। अब इक्विटी शेयर के होल्डर के कितने पैसे आ गए, 100 रुपए। अब इस पैसे का दो फैसला हो सकता है, कुछ पार्ट रिटेन अर्निंग हो सकता है, रिटेन अर्निंग, और कुछ पार्ट आपका डिविडेंड में दिया जा सकता है। अब यहां परसेंटेज हो सकता है, मैंने सपोज करो मैंने कहा डिविडेंड का ना 20% है, डिविडेंड मैं कितना दे रहा हूं 20%, तो 20% इसका निकाला जाता है, ठीक है। 20% कितना चला जाएगा डीपीएस में सर, 20 रुपए, और बाकी 80 रुपए कहां पहुंच जाएगा, तो 20 रुपीज। अब मैं मान के चल रहा हूं मेरे पास जो शेयर होल्डर है ना, वो टोटल शेयर होल्डर के नंबर में बात करूं तो टोटल शेयर होल्डर हमारे पास सपोज करो 10 है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर अगर मैं बात करूं मेरी कंपनी में, नंबर ऑफ शेयर होल्डर तो कितने नंबर मैंने प्रेजेंट कर दिए, 10। अब 20 रुपए इन 10 लोगों में बटेंगे। अब ये 20 रुपए जो होगा ना उन 10 लोगों में बटेगा, तो अगर मैं ईपीएस निकालू अर्निंग पर शेयर, तो 20 रुपए की कमाई है और कितने लोगों में बटेगा, 10 में, तो हर लोगों के हिस्से में कितना जाएगा, इसको हम ईपीएस कॉल करते हैं, अर्निंग पर शेयर। इसको क्या बोलेंगे हम, अर्निंग पर शेयर। अब हर एक के पर्सन के कितना जा रहा है, 2 रुपए, हर पर्सन के खाते में जा रहा है 2 रुपए। अब हम अगर देखें हर एक पर्सन के खाते में 2 रुपए है, और फेस वैल्यू अगर आपका कितना है 10 रुपए, तो 10 रुपए पे अगर आप 2 रुपए का पेमेंट कर रहे हो, इसका मतलब 20% ही दे रहे हो। तो एक होता है हमारा डीपीएस, आगे चल के आएगा, मैं अभी बस हिंट दे रहा हूं, ये पुराना है सारा, ये 12th वाला ही है मान के चलो आप, तो डीपीएस होगा। डीपीएस क्या होता है, डिविडेंड पर शेयर, क्या होता है डिविडेंड पर शेयर का वैल्यू, मतलब आपका ये क्या है, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय या डिविडेंड, और ये परसेंटेज में आएगा, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू इनटू 100। तो आप चेक करोगे 20% आ गया। ये इतना रेलेवेंट नहीं है, जिसको समझ में नहीं आ रहा हम बाद में दोबारा समझ लेंगे। यानी सर जो हमारा ये 150 रुपए बना है, 150 रुपए के कितने टुकड़े हो गए, मैं इसे हटा रहा हूं यहां से, 150 के 2 टुकड़े हो जाएंगे। ये बात क्लियर हुई क्या आपको? चलिए सर ये बात अगर क्लियर हुई तो मैं यहीं पे लेके चलता हूं, यहीं लेके चलते हैं।
इसी 150 को लेके चल रहा हूं मैं, मान लेते हैं प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड माइनस करने के बाद हमारे पास 50 रुपए माइनस किया, तो जो अगला नेम आएगा ना उसे बोलेंगे अर्निंग फॉर इक्विटी। अर्निंग फॉर इक्विटी, और अर्निंग फॉर इक्विटी कितना माना जाएगा? 100 रुपए। मैंने पीछे शायद एक पॉइंट मैंने गलत बता दिया, ये ईपीएस नहीं होगा, इसको डीपीएस ही बोलेंगे, ये डीपीएस होगा। ठीक है, मैं एक बार ये वाला ध्यान में मत रखिएगा, बाय मिस्टेक मैं किसी और कॉन्सेप्ट पे चला गया, ये डीपीएस ही रहेगा। डिविडेंड पर शेयर कितने आ गए? डिविडेंड पर शेयर 2 रुपए, हर शेयर का डिविडेंड कितना हो गया? 2 रुपए। फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड हमारा अपॉन में नंबर ऑफ शेयर, डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ शेयर। फॉर्मूला देख लीजिए, डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, और ये अर्निंग आ गया, रिटेन अर्निंग बोलते हैं हम, आगे देखेंगे। सर ईपीएस क्या होता है? ईपीएस होता है इज इक्वल टू अर्निंग फॉर इक्विटी, अर्निंग फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। मेरे एग्जांपल में अगर मैं ईपीएस पूछूं तो नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर्स मैंने कितने माने हैं? तो 10 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा अब इसको अगर डिवाइड करते हैं तो आएगा ईपीएस। ईपीएस कितने आ जाएगा हमारा? ईपीएस आ जाएगा हमारा 10 रुपए। कैसे आया ईपीएस सर? ईपीएस आ गया हमारा 100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स लिख रहा हूं मैं 10, तो यानी 10 रुपए ईपीएस आ गया। लीवरेज के अंदर पहले हम इस स्टेटमेंट को समझते हैं, फिर लीवरेज की बात करेंगे। तो ये आपको कहीं ना कहीं पहले आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, जिसने नहीं देखा होगा बड़ा सिंपल एक बार फिर से देख लेते हैं हम। सबसे पहले क्या लेते हैं? सेल्स। सेल्स में से क्या माइनस करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के पास जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो क्या आता है सर? उसको क्या नाम देते हैं हम? कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? हम बिजनेस के अंदर जो काम करते हैं ना, फिक्स कॉस्ट पे कभी भी हम अपना बिजनेस को नहीं देखते। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है, वो तो जीरो सेल पे भी आपका होना है। हम देखते हैं वेरिएबल कॉस्ट हमारा रिकवर हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, तो वेरिएबल कॉस्ट को इसलिए यहाँ पे कंट्रीब्यूशन बोल दिया गया। अब एक बार मुद्दे की देखो, अगर आप कंट्रीब्यूशन को देखो तो अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट इन दोनों हिस्सों को आप ध्यान से देखना, अगर ऐड कर दूं यानी 400 और प्लस 200 कर दूं तो 600 आ जाएगा। 400 200 600 ही होता है। एक फॉर्मूला अपने माइंड में सोचो, ड्राइव हो गया। कौन बच्चा बताएगा क्या फॉर्मूला बन गया? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या बन सकता है ड्राइव करके? प्रेफरेंस या डिविडेंड। आप सब अपनी बातें कर रहे हो, प्रेफरेंस या डिविडेंड मैं सभी का आंसर दूंगा। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड तो नॉर्मल कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है। अभिषेक का जवाब आ गया फिक्स कॉस्ट प्लस में ईबीआईटी फिक्स कॉस्ट। अब तुषार ने बोला सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन, यानी अलग अलग बच्चों के अलग अलग आंसर आए। तो इसका मतलब सर कंट्रीब्यूशन के भी दो फॉर्मूले मतलब के बन सकते हैं सर। कंट्रीब्यूशन पूछा नहीं जाएगा हालांकि, बस आपके मैं माइंड को बता रहा हूँ कि अगर आ जाता है एग्जाम में कुछ ऐसा पूछा जाए तो हो सकता है एक सेल्स माइनस वीसी, एक बच्चे ने कुछ ने जवाब दिया, और दूसरा हो सकता है कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस में, सभी बच्चे इससे एग्री कर रहे हैं। इसको थोड़ा ऊपर कर दे, इसको नीचे करते, एक मिनट रुकिए, इसको अरेंज करते हैं आपके लिए। इसका तो कोई काम है नहीं, पर सभी बच्चों का लगभग सेल्स माइनस वेरिएबल
बॉन्ड बता दीजिए। बॉन्ड क्या होता है, आप देखिए एक एक चीज पूछ रहे हैं स्टूडेंट के, सर ये क्या होता है। देखो लोन, आपने बैंक से लोन लिया है, सिंपल सी बात है, आपको लोन चाहिए, लोन है, उस पर आप ब्याज दोगे, तो जो ब्याज दोगे दैट इज इंटरेस्ट। बॉन्ड क्या होता है, कुछ एक सरकारी कंपनी जो होती है ना, गवर्नमेंट, जैसे SBI है, अगर उसको पैसे की जरूरत होगी ना तो उसे डिबेंचर इशू करेगा, लेकिन क्योंकि वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में इसने बहुत सारा पार्ट टेक ओवर 51% स्टेक किया हुआ है, तो वो बोल देते हैं अपने नाम को डिबेंचर नहीं बोलते, बॉन्ड बोलते हैं। जैसे मान लो मुझे पैसे की जरूरत है, पैसा मैं शेयर से भी इकट्ठा कर सकता हूँ, मैं बैंक लोन से भी इकट्ठा कर सकता हूँ, और साथ के साथ और कहाँ से मैं इकट्ठा कर सकता हूँ, देखो शेयर से हो गया, बैंक लोन से हो गया, और मैं एक डिबेंचर से भी इकट्ठा कर सकता हूँ। तीन ही जगह है मेरे पास पैसा इकट्ठा, बाकी रिलेटिव रिलेटिव को छोड़ देते हैं। मुझे पैसे की जरूरत है, मान लेते हैं 100 करोड़, मैं बैंक के पास जाऊंगा कि मुझे पैसे चाहिए, बैंक वाले या तो देंगे या तो मना कर देंगे, बैंक वाले ने नहीं दिया, मैं इक्विटी शेयर होल्डर के पास जाऊंगा, इक्विटी शेयर होल्डर से पैसे मिलेंगे, नहीं तो फिर मैं लास्ट डिबेंचर इशू करूंगा। अब हम आ जाते हैं डिबेंचर पे। अब मैं एक सिंपल सी कंपनी हूँ, मेरे कंपनी का गवर्नमेंट का कोई कनेक्शन नहीं है, मैंने 100 करोड़ रुपए के डिबेंचर इशू कर दिए और आप लोगों से मेरे पास पैसे आ गए, तो जो मैंने इशू किया दैट इज डिबेंचर। लेकिन अब मान लो मैं SBI हूं, मैंने 100 करोड़ के आपको मतलब आपसे मुझे 100 करोड़ मिल गए, बदले मैंने जो भी आपको सर्टिफिकेट दिया डिबेंचर दिया, तो लेकिन SBI बोलता है हम तो SBI हैं, तो हम अपने उसको डिबेंचर नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड। तो बेसिकली बॉन्ड शब्द जो है ना वो गवर्नमेंट कंपनी यूज कर लेती है डिबेंचर के लिए, और नॉर्मल कोई अदर कंपनी है तो वो क्या यूज करती है, वो बहुत सिंपल डिबेंचर यूज करती है। ये डिफरेंस है और बाकी कोई फर्क नहीं है, दोनों में ब्याज रेट होता है, सब कुछ वही रहता है। ठीक है, सेल्स वेरिएबल्स लाइव क्लास, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए एक चीज आपने मुझे बताया, सेल्स सेल्स में से, फटाफट मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा, सेल्स सेल्स में से माइनस करेंगे अगर हम वेरिएबल कॉस्ट, क्या रिजल्ट आएगा, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट, तो क्या रिजल्ट आएगा, EBIT, उसमें से क्या माइनस कर देंगे हम इंटरेस्ट, तो क्या आंसर आएगा, EBT, क्या आंसर आएगा, EBT आएगा। ठीक है, अब अगर हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे EBT, EBT में से क्या माइनस करेंगे हम टैक्स, तो क्या आ जाएगा, EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। लेकिन लीवरेज कहता है हमें टैक्स से मतलब नहीं है, हम दो ही चीज पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, एक फिक्स कॉस्ट और एक इंटरेस्ट। आप पीछे देखिए मैंने क्या बोला कि लीवरेज जो है ऑपरेटिंग लीवरेज फिक्स कॉस्ट से, फाइनेंसिंग लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज, लीवरेज का मतलब है एफर्ट, मान लेते हैं एफर्ट, तो आप ध्यान दीजिए ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है, बिजनेस चलाना, बिजनेस चलाने के लिए आपको सिर्फ फिक्स कॉस्ट एक ऐसा मेन कंपोनेंट्स होता है जो बहुत आपको रिकवर करने की जरूरत होती है, तो ऑपरेटिंग लीवरेज में सबसे बड़ा मेजर फैक्टर कौन होगा, फिक्स कॉस्ट। इसलिए इसका फॉर्मूला हम आगे और भी चलेंगे, इसका फॉर्मूला अगर बोलूं ना ऑपरेटिंग लीवरेज का, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं ऑपरेटिंग लीवरेज, और क्योंकि ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज होता है तो DOL लिख देता हूं, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। सर कॉन्ट्रीब्यूशन अभी फॉर्मूला देखिएगा कैसे बनाए, अभी वो भी आएंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT। अब आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, कॉन्ट्रीब्यूशन और EBIT के बीच में क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन और EBIT के बीच में क्या है, सोचो, कॉन्ट्रीब्यूशन और EBIT के बीच में क्या है, फिक्स कॉस्ट। अगर मैं बोलूं मेरा फिक्स कॉस्ट है ही नहीं तो अपॉन करके तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो इसलिए मैंने बोला कि ऑपरेटिंग लीवरेज को निकालने के लिए आपका कौन इन्वॉल्व रहेगा, फिक्स कॉस्ट, यानी ये हमें ये बताएगा कि हमारा कितना फिक्स कॉस्ट हमारा इन्वॉल्व है, कितने परसेंट हमारा EBIT के ऊपर फिक्स कॉस्ट देना पड़ रहा है, हमें प्रॉफिट के ऊपर कितने परसेंटेज फिक्स कॉस्ट देना पड़ रहा है एक तरीके से। इसका फॉर्मूला क्या होगा इंटरेस्ट का, कोई बच्चा इसका फॉर्मूला बना सकता है क्या? अगर ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, मैं अगला फॉर्मूला आपसे बनवाना चाहता हूं, अभी किसी को कुछ पता है नहीं। मैंने बोला सर ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या है, और आपने मुझे बताया था कि ऑपरेटिंग लीवरेज में कौन रोल प्ले करेगा, फिक्स कॉस्ट, तो आपने बताया सर कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में क्या कर दिया, EBIT, यही करा आपने। अब मैं जानना चाहता हूं फाइनेंसिंग लीवरेज का फॉर्मूला, मैंने बताया फाइनेंसिंग लीवरेज में कौन इन्वॉल्व होता है सर, फाइनेंसिंग लीवरेज में कौन इन्वॉल्व होता है सर, इंटरेस्ट,
इसका क्या फॉर्मूला हो सकता है बताइए, इसका क्या फॉर्मूला हो सकता है? डिवाइड क्या होना चाहिए? ईबीटी दोनों के बीच का आपको क्या करना है, दोनों का बीच का गैप परसेंटेज कैलकुलेट करना है कि कितने परसेंट जा रहा है हमारा, ठीक है। कंबाइंड बोलता है इन दोनों को जोड़ दो। अब अगर आप ध्यान से देखो ना, कंबाइन का फॉर्मूला पता है क्या है? अब इन दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों को हम क्या करते हैं जो मतलब फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट को जोड़ दो, या मल्टी जोड़ने की बात कर रहे हैं, और बेसिकली फॉर्मूले को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, या मैं यहीं पे मल्टीप्लाई कर देता हूं। मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए एक बार, क्या होगा? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी इंटू ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। देखिए अब क्या निकला रिजल्ट, कैंसिल आउट, फॉर्मूला क्या बना हमारा इसका? ईबीटी, ठीक है। अब मुझे फॉर्मूला मैंने हाइड कर दिया है, एक बार फटाफट से माइंड में लगाइए कि सबसे पहले अगर हम ऑपरेटिंग लीवरेज की बात करें तो ऑपरेटिंग लीवरेज में कौन इन्वॉल्व होता है? फिक्स कॉस्ट। फाइनेंसिंग लीवरेज में कौन इन्वॉल्व होता है? और कंबाइन में, कंबाइन का मतलब दोनों इन्वॉल्व हो जाएगा, तो कंबाइन का फॉर्मूला क्या बना था? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में, यानी सर लीवरेज के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें यहीं तक का पॉइंट चाहिए, इसके बाद वाली चीजें जो मैंने बताया वो बस एक जनरल नॉलेज प्रोस्पेक्टिव से एक्स्ट्रा था, ठीक है ना। अब ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या, बताओ फटाफट, बोलो फटाफट, दिमाग लगाओ, आपके सामने क्या बनेगा? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। फाइनेंसिंग का क्या बनेगा? ईबीआईटी अपॉन में, बताओ, ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी, क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट आपका इन्वॉल्व होगा। और फाइनेंसिंग में क्या बनेगा हमारा, सॉरी कंबाइंड में क्या बनेगा? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में, और दूसरा ये भी हो सकता है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।